नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम बलवन के बारे में जानेंगे कि उसने किस प्रकार से अपना शासन और साम्राज्य पाया था, ठीक है, और साम्राज्य पाने के बाद में किस प्रकार से उसने शासन किया था। शासन के साथ साथ उसने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बलवन यानी गुलाम वंश, बलवन गुलाम वंश होता क्या है, ये जो है इल्तुतमिश का दास था, यानी दास गुलाम। इसके बारे में जानते हैं आखिरकार ये किस प्रकार से इल्तुतमिश को ये मिलता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो इल्तुतमिश है, जब इसने ग्वालियर की विजय प्राप्त की थी, जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर को पाया था यानी जीता था, तो इसने बलवन को खरीदा था। क्या करा था, विजय के बाद में बलवन को खरीदा। यहां पर आप समझना, यहां से होता है बलवन का, बलवन के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी। बलवन एक योद्धा था लेकिन गुलाम था। जिस वक्त इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीता, ग्वालियर को जीतने के बाद ही क्या करा, इल्तुतमिश ने बलवन को खरीदा और अपने पास में यानी अपनी सेवा में इसे रख लिया, ठीक है। सेवा में रखने का मतलब है इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का यानी 40 गुलामों का एक दल बनाया था जो कि उसकी हिफाजत करे यानी उसके विश्वास पात्र हों, हैं? वो दल बनाया था जिसका नाम क्या था, तुर्काने चहलगानी, ठीक है। ये 40 गुलामों का एक दल था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, तुर्काने चहलगामी, ठीक है ना, चहलगानी। तो ये जो बलवन था ये इसका सदस्य था, ठीक है, उनमें से एक बलवन भी था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे अपनी सेवा में रख लिया। अब क्या है, जब ये अपनी सेवा में रख लिया और इल्तुतमिश का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों को गया, तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था अपने पुत्रों की जगह अपनी पुत्री को किया था। तो पुत्री कौन थी, रजिया, ठीक है। तो रजिया के समय में बलवन को अमीर ए शिकार का पद मिला था। जब रजिया का शासन समाप्त होता है, ठीक है, तो उसके बाद में इसका शासन कौन संभालता है, बहराम शाह, ठीक है। उसके बाद में शासन करता बहराम शाह, और बहराम शाह के समय में बलवन का जो पद था अमीर ए आखुर, बलवन को बहराम शाह के द्वारा अमीर ए आखुर का पद दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सुल्तान होता है वो होता है मसूद शाह। मसूद शाह जो है वो बलवन को कौन सा पद देता है, अमीरे हाजिब का पद बलवन को दिया जाता है। ये वो सुल्तान हैं, शासक हैं, जिनके समय में, क्योंकि बलवन एक अधिकारी था, योद्धा था वो गुलाम सैनिक। अब इसके होता क्या है कि जब सुल्तान बनते जा रहे थे यानी क्रम में, इल्तुतमिश के बाद में रजिया शासन करती है, रजिया के बाद में बहरम शाह शासन करता है, उसके बाद में मसूद शाह, तो बलवन को अलग अलग तरीके से पद मिलते हैं। तो ठीक है, इसके बाद में आते हैं नासुरुद्दीन महमूद। इनके समय में क्या था बलवन, नायाबे ममलिकात, ठीक है ना, नायाबे ममलिकात। तो इस ये पद जो है नायाबे ममलिकात का जो पद है इसका सृजन करने वाला नसरुद्दीन महमूद है। सर्वप्रथम ये पद इसने शुरू किया था, और नसरुद्दीन महमूद ने ही बलवन को उगलू खां, ठीक है, उगलू खां की उपाधि, उगलू खां की उपाधि दी थी। बलवन था क्या, जब इन शासकों का समय चल रहा था
तब बलवन हासी, हासी का क्या था? सूबेदार, याद रखना हासी का सूबेदार था। अब होता क्या है, जब ये सरदार जो थे यानी जो सुल्तान थे, अब हो गए कमजोर। जब ये कमजोर हो जाते हैं तो बलवन अपनी शक्ति का विस्तार करता है, और जब ये अपनी शक्ति का विस्तार करता है तो इसे क्या पता था, इसे पता था कि 40 सदस्य और भी हैं, अगर मैंने सुल्तान पद के लिए दावेदारी करी तो और भी 40 सदस्य जो तुर्काने चहलगानी यानी 40 दल का जो समूह है वो भी अपना दावा पेश करेंगे सुल्तान बनते ही। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के अनुसार होता क्या है, इस्लाम के अनुसार कोई भी गुलाम सुल्तान नहीं बन सकता था, उसे पहले दासता से यानी गुलामी से या दासता से उसे मुक्त होना पड़ता था। तो ये क्या करता है उस समय, अपने आप को क्या करता है, शाहनामा, फिरदौसी ने क्या लिखी थी, फिरदौसी के द्वारा लिखी हुई है शाहनामा। शाहनामा में बलवन के लिए क्या चीज कही गई है कि इसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज, ठीक है, अफरासियाब का वंशज यानी अपने आप को ऊंचे परिवार ऊंचे कुल का संबोधित किया यानी बताया कि मैं श्रेष्ठ कुल से संबंध रखता हूं जो कि ईरानियों का अफरासियाब वंश था। जब ये एक सैनिक था तो इसने सुल्तान बनने से पहले मेवातियों का दमन किया था, ठीक है। अब इसके कुल के बारे में भी पता चल गई, भाई बहुत श्रेष्ठ कुल का अपने आप को बताता है। इसने अपने सैनिक समय में यानी इससे पहले जो सुल्तान थे उनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो ये, इसने मेवातियों का दमन किया था। क्यों भैया मेवातियों का दमन क्यों किया, क्योंकि ये लूटपाट करते थे, विद्रोह करते थे, इन्हें उसका दमन किया और उसके आसपास के जंगलों को भी साफ करवाया। उसके बाद में अफगानों का भी इसने विद्रोह को दबाया, अफगानों के विद्रोह को भी ये दबाता है। अब 1265 में ये सुल्तान बनता है और 1289 ईस्वी तक ये शासक रहता है यानी शासन करता है। ये अपने आप को क्या कहता था कि ईश्वर जो है, सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है ना, ईश्वर का, ये सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर ने दिया है, ठीक है, और सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान इस संसार में पैगंबर मोहम्मद के बाद में आता है। उसे ये क्या कहता था सुल्तान के पद को, नियावते खुदाई, ठीक है ना, और अपने आप को क्या कहता था, ये जो सुल्तान का पद था इसे नियावते खुदाई, और स्वयं को जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह का उपाधि धारण करता था। अभी अब जब सुल्तान बन जाता है, कौन, बलवन, बलवन बन जाता है सुल्तान। सुल्तान बनने के बाद में क्या करता है, ये ईरानी परंपराओं से प्रभावित था और ईरानी परंपराओं को उनके त्योहारों को मानता था बहुत ज्यादा श्रेष्ठ। अब जब श्रेष्ठ मानता था तो इसने क्या है, सिजदा, सिजदा और पायबोस, ठीक है ना, यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पायबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना दंडवत होकर, तो ये इसने शुरू किए, सिजदार पायबोस जो शुरू किए थे वो बलवन ने शुरू किए थे। और बलवन ने ईरानी त्योहार कौन सा था, नवरोज, ईरानी त्योहार नवरोज की भी क्या करी थी, शुरुआत बलवन ने ही की थी। और ईरानियों से प्रभावित होने के कारण, उनके श्रेष्ठ कुलों के शासक शक्तिशाली होने के कारण, इसने क्या करा, अपने जो पुत्र थे, पुत्र और पोत्र, उनके नाम भी इसने ईरानियों के नाम के आधार पर ही रखे थे। तो पोत्रों के क्या क्या नाम थे, के खुसरो, केकुबाद, के खुसरो, केकुबाद और के यूर्म, है ना,
केयूर्स इसने नाम रखे थे। अब जब ये सुल्तान बन ही गया, जब सुल्तान ये बन जाता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले 40 गुलामों के दल को ही समाप्त करता है। क्या? तुर्कान चहलगानी का ये अंत करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि ये भी सिंहासन के लिए अपने दावेदारी पेश न करें। तो इसने क्या करा, इसने बहुत जोरदार हमला किया। हमला किया तो 40 गुलामों के दल को, आधे से ज्यादा को मृत्यु घाट, आधे से ज्यादा को इसने मौत के घाट उतार दिया, और जो बचे को थे कमजोर थे, जो अपने आप हार मान गए थे, तो उन्हें इसने दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया, उनके तबादले कर दिए। सुल्तान बनने के बाद ने इसने दरबार और समारोह में नित्य संगीत और मद्यपान यानी शराब पर रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। ये इसके शासन के समय में इसने कुछ कठोर कदम भी उठाए थे, ठीक है ना। ये क्या था, ये जो बलवंत था बहुत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, तो इसने क्या करा, इसने सबसे पहले साम्राज्य में दृढ़ता बनाने के लिए लोहे और रक्त की नीति को अपनाया था। कौन सी? लोहे और रक्त की नीति को। लेकिन न्यायप्रिय था ये, कमजोरों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहता था। इसी बीच में इसने, इसके पास में शिकायत पहुंच जाती है कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये क्या था, न्याय के मामले में थोड़ा सख्त था, तो इसने क्या करा, कुछ सूबेदारों के पिता को भी दंड दिया था, और अगर कोई युद्ध से भी विफल हो जाता, असफल हो जाता, युद्ध नहीं जीत पाता, तो उसे भी ये दंड देता था, चाहे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो। तो इसने क्या करा कि सबसे पहले दरबार में नित्य संगीत और मद्यपानों पर, संगीत और मद्यपानों पर रोक लगा दी। और इसके समय में यानी बलवन के समय में नायाब का पद कोई खास पद नहीं रह गया था, तो इसने क्या करा, नायब के पद को समाप्त कर दिया। ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखो, न्याय के मामले में इतना सख्त था, इसने अवध और बदायूं के जो सरदार थे, सूबेदार थे, उसके पिता, उसके जो पिता थे, उन दोनों के, अवध और बदायूं के जो सूबेदार थे यानी सरदार थे, उनके पिता को भी इसने दंड दिया था। दंड क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने अपने नौकर के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसी कारण इसने उन्हें दंड दिया था। यानी ये सूबेदारों के साथ साथ अधिकारियों तकों को भी नहीं छोड़ता था। न्याय के मामले में अगर किसी गरीब को सताते था, यानी पूरे साम्राज्य में कोई सताता था, तो ये उसे दंड देता था। होता क्या है कि 1289 ईस्वी में बंगाल के अभियान से असफल होकर, क्या, बंगाल में 1289 में बंगाल का अभियान करती है, इसके दो सैनिक या अमीर मान लीजिए आप उन्हें, ठीक है ना, अमीर ही थे जो इनके हमेशा साथ में रहते थे और सहयोग से युद्ध करते थे। तो दो अमीर थे जो कि बंगाल में सफल नहीं हो पाए थे युद्ध में, उनका नाम था मलिक तरगो और अमीर खां। मलिक तरगो और अमीर खां अब ये बंगाल से हार कर आ गए, बलवन के सामने आए, तो बलवन ने इन्हें माफ नहीं किया और क्या कर दिया, इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि आप असफल होकर आए ही क्यों, हारे ही क्यों। इसी प्रकार इसका जो चचेरा भाई था, इसका चचेरा भाई कौन था, शेर खां सूकर, वो भी जब वापस लौटा तो उसे भी इसने जहर दे दिया, शेर खां सूकर यानी अपने सगे भाई को। और ये जो सूकर था, ये सुनाम सुमाना भटिंडा और भटनेर का क्या था, गवर्नर था, इसने उसे भी नहीं बख्शा और उसे भी जहर दे दिया, ये इतना सख्त था। अब इसने अपने साम्राज्य को दृढ़ और अच्छी सुव्यवस्था, अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या करता है कि ये वृद्ध सैनिकों को उनकी सेना से मुक्त करता है, जो सेना में वृद्ध सैनिक थे ये उन्हें मुक्त कर देता है उनके कार्यकाल से। उनके लिए क्या करता है, ये पेंशन उन्हें देता है, ये पेंशन क्या, पेंशन लो और अपने आराम से जाओ। अब ये क्या करता है, ये करता है गुप्तचर प्रणाली को मजबूत, क्यों, क्योंकि गुलाम था,
और कोई विद्रोह ना करे, और कोई इसके साम्राज्य के बारे में कानाफूसी ना करे, तो यह गुप्तचर प्रणाली को मजबूत करता है ताकि पूरे साम्राज्य की गतिविधियों पर ये नजर जमाए रहे। ठीक है, गुप्तचर पूरे साम्राज्य की जितनी भी गतिविधियां थी ये उनको आकर यानी सुल्तान को आकर ये बताते रहे और ये उसके हिसाब से शासन करता रहे, मजबूत किया। और बरीद, बरीद जो था वो गुप्तचर प्रणाली का एक अधिकारी था जिसको बलवन ने ही नियुक्त किया था। अब होता क्या है, 1279 ईस्वी में ये इक्ता, जो इक्ता थे यानी साम्राज्य को इक्ताओं में बांटते था, तो उसके रख रखाव के लिए कौन था, खवाजा। ये खवाजा नामक अधिकारी को नियुक्त करता है, ठीक है ना। खवाजा नामक अधिकारी को नियुक्त करने वाला कौन था, बलवंत था, ताकि इक्ता का जो भी आय व्यय का ब्यौरा था ये उन पर नजर रखे और उनका हिसाब किताब ये खवाजा नाम का अधिकारी रखता था। इसने सिकों, इसने क्या करा था, अपने साम्राज्य को सिकों में बांटा, यानी सिकों की स्थापना करने का जो शेर है शेर वो बलवन को जाता है। इसने सिकों की स्थापना की और इसका जो अधिकारी बना है वो सिकदार, ठीक है ना। और सिकों को इसने बांट दिया परगनों में, परगनों में बांटा सिकों को, और इसका जो अधिकारी होता था परगनों का वो अमिल, अमिल होता था। और परगनों को बांटता है गांव में, परगनों को बांटता है गांव में, और गांव का जो अधिकारी होता था वो मुशरिफ, बलवन के समय में कौन था, मुशरिफ। अब ये क्या करता है, शहर और 100 गांव का समूह, यानी पूरे शहर का या 100 गांव का समूह का जो अधिकारी होता था बलवन के समय में, अमीर सादा, याद रखना कौन था, अमीर सादा होता था। होता क्या है, 1289 ही ईस्वी में ये बंगाल में एक विद्रोह होता है, और विद्रोह करने वाला कौन था, तुगरिल खां। बंगाल में विद्रोह होता है जिसे करता है तुगरिल खां। अब तुगरिल खां विद्रोह करने के बाद में क्या है, मुगसुद्दीन एक तो विद्रोह करता है बंगाल में और मुगसुद्दीन की पदवी धारण करता है और अपने आप को स्वतंत्र स्वतंत्र सुल्तान यानी राजा घोषित कर देता है, शासन करने लगता है। अब यह जानकारी पता चलती है बलवन को, जब यह जानकारी बलवन को पता चलती है तो यह पहला पहला पहली बार, समझे, पहली बार बलवन बंगाल के अभियान के लिए दिल्ली को छोड़ता है, यानी दिल्ली को इसने अब से पहले दिल्ली छोड़ी नहीं थी, लेकिन बंगाल के अभियान में यानी तुगरिल खां को सबक सिखाने के लिए ये बंगाल को पहली बार छोड़ता है। और 1280 ईस्वी में ये बंगाल जाता है और तुगरिल खां को हराता है और मार डालता है। अब तुगरिल खां को जब ये मारता है तो इसमें इसके सहयोगी भी थे, सहयोगी कौन थे, इसका जो सहयोगी था जो तुगरिल खां को पकड़कर मारने या मरवाने में जिसका सबसे ज्यादा हाथ था वो था मुकद्दीर, मुकद्दीर था जिसको शेह दिया जाता है कि इसने तुगरिल खां को पकड़ने में सहयोग किया और उसके बाद तुगरिल खां को मारने में इसका हाथ था। तो बलवन इसका जो शेर देता है तुगरिल खां को मारने का जो शेर देता है शेह वो मुकद्दीर को देता है, और इसके बाद में मुकद्दीर को तुगरिल कुश, याद रखना तुगरिल कुश की उपाधि भी देता है, ठीक है ना। अब अपने सैनिक अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलवन जो है क्या करता है, सैन्य विभाग की स्थापना करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसे मंगोलों के आक्रमण का बहुत ज्यादा डर था, जिसके कारण ये क्या करता है, उत्तर पश्चिम की सीमा पे किले बनाता है, और किले बनाने के साथ साथ ये क्या करता है, एक सैनिक विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम था दीवाने अर्ज। ठीक है, बलवन दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, और इसका जो अधिकारी था आरिजे मुमालिक, क्या था, आरिजे मुमालिक, मलिक फिरोज, किसको बनाता है, मलिक फिरोज था इसका जो अधिकारी था आरिजे मुमालिक। अब होता क्या है, 1285 ईस्वी में, ठीक है ना, 1285 ईस्वी में अब टगर,
कहीं कहीं पे देखो तगर है, कहीं कहीं पे तिमुर खां है। क्या है? तगर और तिमुगयमन। इसलिए मैंने दोनों ही नाम आप लोगों को लिखवा दिए, तगर या तिमुर खां। मंगोल उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहुत जबरदस्त आक्रमण करते हैं। समय था 1285 ईस्वी। अब इसको रोकने के लिए इसका बड़ा पुत्र, इसको रोकने के लिए इसका बड़ा पुत्र था, बलवन का बड़ा पुत्र कौन था? मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद इसका बड़ा पुत्र था। ये उसे भेजता है, लेकिन मंगोलों का इतना तीव्र आक्रमण होता है कि इसका बड़ा पुत्र मोहम्मद इस मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। जब ये मर जाता है तो इसे किसको? शहजादा मोहम्मद को खाने शहीद की उपाधि दी जाती है। बलवन के द्वारा इसे खाने शहीद की उपाधि दी जाती है। अब होता क्या है, ये जो मोहम्मद मारा गया था, शहजादा मोहम्मद जो कि बलवन का पुत्र था, बलवन का पुत्र था शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां, ठीक है ना। अब ये क्या है, इसके समय में, शहजादा मोहम्मद के समय में अमीर खुसरो यानी तूतीय हिंद, जिसको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतीय हिंद, अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन को क्या? भारत का सादी, याद रखना भारत का सादी पेपरों में पूछा गया है। ये अपना साहित्यिक जीवन, यानी अपना साहित्यिक जीवन शुरू करता है किसके समय में? शहजादा मोहम्मद के समय में। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो अपना साहित्यिक जीवन शुरू करते हैं वो शहजादा मोहम्मद के समय में ही करते हैं। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में इसका पुत्र, क्यों? क्योंकि इसका पुत्र तो मारा गया। अब ये क्या करता है, जब पुत्र मर जाता है तो ये लखनौटी, लखनौटी से अपने दूसरे पुत्र बुगरा, बुगरा खां को बुलाता है कि आप यहां पर आ जाओ। लेकिन होता क्या है, बुगरा खां कुछ समय के लिए आता है और फिर अपने ही लखनौटी लौट जाता है और वहीं पर ही वो अपना शासन करता है। अब बलवन यहां पर वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी बलवन हो जाते हैं यहां पर समाप्त, बलवन मारे जाते हैं, मर जाते हैं, वृद्ध अवस्था हो जाती है। उसके बाद में जो शासन करने आते हैं वो 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी में इसका पुत्र, बलवन के बाद में बलवन का पोत्र, पुत्र नहीं पोत्र, शासन करने आते हैं, जिसका नाम होता है केकुबाद। उसका नाम होता है केकुबाद। ये बिल्कुल ही आलसी विलासी अय्याश किस्म का शासक था, यानी शासन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो इसी चीज का फायदा उठाकर मलिक फिरोज, ठीक है ना, क्योंकि ये था केकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक। क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और इसका जो आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक कौन था? मलिक फिरोज, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसकी हत्या कर देता है। किसकी? केकुबाद की हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो नाम है मलिक फिरोज, ठीक है, मलिक फिरोज है, जो कि क्योंकि ये आलसी था, अय्याश था, कमजोर था, शासन की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो इसी चीज का फायदा उठाकर, क्योंकि कौन था? आरिज़े मुमालिक कौन था? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। वो इसी चीज, यानी इसी चीज का मौके का फायदा उठाता है, क्योंकि वो एक अधिकारी का अधिकारी था। तो ज्यादातर होता क्या है, शासनों के दौरान जितने भी सुल्तान हुए, या तो वो आपस में एक दूसरे से लड़े हैं, जब एक दूसरे के साम्राज्य में सुल्ताने लड़ते थे तो उनके ही अधिकारी इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर या तो अपना स्वतंत्र राज्य या अपने आप को स्वयं शासक घोषित कर देते थे। तो इसी बात, जब केकुबाद इतना कमजोर था तो इसी चीज का फायदा उठाकर बलवन के समय में जो था, कौन था? आरिज मुमालिक था, मलिक फिरोज यानी जलालुद्दीन खिलजी एक अधिकारी था। वो क्या करता है, इसी चीज का फायदा उठाता है। बलवन उस समय नहीं रह पाता है, उसके बाद में सुल्तान बनता है केकुबाद। तो इसी चीज का फायदा उठाकर, इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर वो इसकी कर देता है हत्या। और हत्या करने के बाद में होता क्या है, अपने आप को स्वयं सुल्तान घोषित कर देता है। इसी बीच में कुछ विद्वान हैं, एवी हबीबुला,
एबी हबीबुल्ला जो है वो बलवन के शासन को दृढ़ता का युग कहते हैं, ठीक है। और एक है के ए निजामी जो है वो बलवन के साम्राज्य, उसके शासन करने के तरीके और सिंहासन यानी जो इसकी लोहे रक्त की नीतियों को देखते हुए वो इसे एक अभिनेता कहते हैं। तो इसकी नीति कौन सी थी? इसने जो नीति शुरू की थी वो लोहे और रक्त की नीतियां शुरू की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको बलवन के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, तथ्य थे, उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी, क्योंकि पेपरों में इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।